हाथरस जिले के गांव वाहनपुर से 40 छात्राओं की एक साथ तबियत बिगड़ने का मामला सामने आया है। श्री कृष्ण कन्या इंटर कॉलेज में टीचरों की ओर से दी गई दवाई से छात्राओं के पेट में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। छात्राओं की हालत बिगड़ते देख कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद बीमार हुई बच्चियों में से 9 को इलाज के लिए CHC हाथरस जंक्शन लाया गया और 9 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार छात्राओं के परिजनों की माने तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें बच्चियों के बीमार होने की कोई जानकारी नहीं दी और न ही कोई अधिकारी गाँव पहुँचा। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि टीचरों ने बच्चियों से दवा के बाद पानी नहीं पीने को कहा था, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से जिले के SDM बीमार बच्चियों को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की माने तो पेट में कीड़े मारने की दवा पानी या दूध से ली जाती है। जो दवा दी गई है वो 60-65 बच्चों को दी गई है, डॉक्टर भी बता रहे हैं, उसके अनुसार पानी से या दूध से ही दवा ली जा सकती है। 9 बच्चे यहाँ आए हैं बागला हॉस्पिटल में और 9 बच्चे वहीं हाथरस जंक्शन से, जब मुझे सूचना मिली है उस समय तक टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है। जाँच करने पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी जो है उसके संबंध में याद नहीं है। जो बच्चे यहाँ आए हैं उनका प्राथमिक उपचार कर। कॉलेज प्रशासन की तरफ से छात्राओं को दी गई दवाई में कोई गड़बड़ी थी या नहीं, यह तो फिलहाल जांच में ही साफ हो पाएगा, लेकिन कुछ छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है। देखते रहिए DB Live।